Hello, good morning students. Hope you all are fine. Students, जो 10th of June को notice आया है, आपका कल ही notice आया है, उसमें एक आपको notice मिला है कि आपकी final date sheet का, और एक और notice आया था, जो कि extension हुई है, date of, for submission of examination form, for special chance examination. बहुत सारे बच्चे सोच भी रहे होंगे कि मैम स्पेशल चांस एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, ये क्या होता है. और स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बेस्ट चांस मिलता है वो स्टूडेंट्स को जो बहुत टाइम पहले पास आउट हुए होते हैं. जैसे सपोज मान लो 2012 में कोई पास आउट हुआ है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड उसको 4 to 5 ईयर्स मिलते हैं उसकी सप्ली क्लियर करने के लिए, रिपेयर क्लियर करने के लिए. वो तब भी उसको मतलब नहीं कर पाता, तो वो अब भी 2012 पास आउट वाला भी अब भी पेपर फिल कर सकता है. अगर उसका कोई एक दो पेपर रह गए हों, चाहे उसके सारे सेमेस्टर्स के पेपर रह गए हों, वो अब भी फिल कर सकता है. मतलब उसके पास चांस है, और ये बेस्ट चांस होता है जो स्टूडेंट्स अपने बीच में स्टडीज छोड़ चुके होते हैं और वो अभी प्रेजेंटली फिर दोबारा करना चाहते हैं, उनको एक मेजर चांस मिलता है. इसकी फ़ीस काफ़ी हाई होती है, बहुत हाई होती है, बट ये एक चांस मिल जाता है स्टूडेंट्स को. स्टूडेंट्स, इसमें यही बोला है कि उनकी डेट जो है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की, वो एक्सटेंड कर दी गई है 21st of June तक कर दी गई है. और स्टूडेंट्स जो पास आउट हैं, इंस्टीट्यूशन जो हैं, कॉलेजेस जो हैं, उनको भी रिक्वेस्ट की जाती है कि उनको इन्फॉर्म किया जाए स्टूडेंट्स को. अगर कोई बच्चा रहता है तो वो अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म यहाँ पे साथ में अटैच करके उन्होंने दिया है, और ये इसकी डेट शीट है वो अलग से आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी इसकी डेट शीट आपको. स्टूडेंट्स, इसमें कुछ कंडीशंस भी बताई. ये आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म होता है, ठीक है, स्पेशल एग्ज़ामिनेशन वालों का, और इसमें कुछ कंडीशंस दी होती हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ. इसमें जैसे कंडीशन दी है कि स्टूडेंट्स जो हैं, जिन्होंने अपना सबमिशन करवानी है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की, इन कंसर्न इंस्टीट्यूशंस, उनको क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टूडेंट कैन डाउनलोड एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फ्रॉम द वेबसाइट लिंक. आप बोल रहे हो कि मैम हमारी वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है, ओपन नहीं हो रही है, तो मैं आपको स्टूडेंट्स बार बार रिपीट करती हूँ, आप सिंपली क्रोम में जाके m.ptu स्मॉल लेटर्स में, कोई स्पेस नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, m.ptuexam.com सब स्मॉल लेटर में बिना स्पेस के आपने टाइप करना है. आपका जो लॉगिन पेज होगा ओपन हो जाएगा. अगर फिर भी ओपन नहीं होता है तो आपको क्या करना है, क्रोम में ओपन करना है. क्रोम में आप भूल जाते हो, आप गूगल में पेस्ट कर देते हो, गूगल में पेस्ट नहीं करना, आपने क्रोम में ओपन करना है, आपका ओपन हो जाएगा. स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट है कि स्टूडेंट्स शुड सबमिट ओनली वन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर ऑल सेमेस्टर्स. जितने सेमेस्टर हैं आपके, जितने भी एग्ज़ाम हैं, सिर्फ आपको एक ही फॉर्म सबमिट करना है. ड्यूली फिल्ड एग्जामिनेशन फॉर्म, वन रिसेंट कलर फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द फॉर्म. एक फोटोग्राफ लगानी है अपनी कलरफुल, अच्छी सी स्माइल के साथ, अलॉन्ग विद एग्जामिनेशन फीस 10,000 पर सब्जेक्ट, सॉरी एक सब्जेक्ट की. सपोज मान लो आपकी एक रिपेयर है तो दैट्स मीन आपका 10,000 जो लगेगा. अगर सपोज मान लो आपकी 5 रिपेयर है तो आपका 50,000 लगेगा. मतलब ये आपका थोड़ा कॉस्टली, थोड़ा नहीं बहुत कॉस्टली है ऑफकोर्स, बट देखो आपको इतने सालों के बाद भी चांस मिल रहा है आपको अपना करियर आगे कंटिन्यू करने का, तो बहुत अच्छा बेस्ट चांस होता है उन स्टूडेंट्स के लिए. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें है कि जो फीस शुड बी सबमिट ओनली इन द फॉर्म ऑफ DD इन द फेवर ऑफ रजिस्ट्रार. जो मतलब रजिस्ट्रार है हमारा IKG PTU का, उनके अकॉर्डिंगली, उनके फेवर में आपको फीस पेमेंट करनी होती है, ठीक है. कोई कैश पेमेंट नहीं करनी, ठीक है, कोई ऐसे नहीं, अच्छे से ड्राफ्ट बनाना है, उसको पेमेंट करनी है प्रॉपर तरीके से. अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न रहती है तो आप अपने HOD से कंसर्न करिए, ज़रूर करिए, उनको सारा पता होता है कैसे क्या करना होता है. नेक्स्ट, इसमें सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा वो आपको बताया जाएगा, वो सेंटर आपका. यहाँ पे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे कि मैम हमारे एग्ज़ाम जो हैं वो ऑनलाइन ही होंगे, OB मोड में होंगे, तो सॉरी स्टूडेंट्स, ये एग्ज़ाम स्पेशल एग्ज़ाम जो होते हैं ये यूनिवर्सिटी में होते हैं, और वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा एड्रेस, फ्लोर बता दिया जाएगा, वहाँ पर आपके एग्ज़ाम होते हैं. ये स्पेशल चांस वालों के कभी भी OB मोड नहीं होते हैं.
कॉपी जो है आपकी आईडी प्रूफ की वो भी सबमिट होनी चाहिए, ज़रूरी है। डेट शीट जो है इनकी आपको 25th ऑफ मतलब कि उसके बाद 25th ऑफ इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है फेब में, बट स्टूडेंट्स ये डेट निकल चुकी है आपकी, मतलब कि अवेलेबल हो जाएगी इसकी डेट शीट अभी आ जाएगी। अभी जो डेट शीट आई है इसके बाद वही डेट शीट आएगी स्पेशल चांस वालों की ही, तो उनकी डेट शीट आ जाएगी। फॉर कॉलेजेस रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म इन द यूनिवर्सिटी, अगर कॉलेज वाला कोई जो यूनिवर्सिटी को सबमिट करवा रहा है तो फोटोग्राफ जो है स्टूडेंट का उसको फिल करना है जल्दी। फिल्ड एग्जामिनेशन फॉर्म मस्ट बी अटेस्टेड बाय प्रिंसिपल और डायरेक्टर, प्रिंसिपल या डायरेक्टर के द्वारा वो पूरा अटेस्टेड हो, पूरा एग्जामिनेशन फॉर्म जो है अटेस्टेड हो, आईडी प्रूफ जो है ड्राफ्ट जो है वो भी सबमिट करवाया जाए अपना, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है शेल बी गिवन टू स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन सेंटर ओनली, ठीक है। स्टूडेंट्स एडमिट कार्ड जो है वो भी दिया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में, जब आपको डेट बता दी जाएगी आपके एग्ज़ाम्स की, इसकी डेट शीट आ जाएगी, तब आपको वहाँ पे एडमिट कार्ड भी डायरेक्टली आपको उसी दिन मिलेगा जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। स्टूडेंट हु हैव फिल्ड थीसिस एज अ सब्जेक्ट इन स्पेशल चांस, देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका थीसिस वर्क नहीं हुआ होता है, तो वो अपना श्योर कर लें कि एक्सटर्नल वाइवा जो है उनका 31 जुलाई तक जो है वो कंप्लीट कर लें। कोई भी क्वेरी आती है आपको तो आपने इस आईडी पे, ये आईडी नोट कर लीजिए यहाँ पे SATI सतीजा JAPTU@gmail.com, यहाँ पे आपने ब्लर थोड़ा सा, मुझे भी पता चल रहा है ब्लर हो रही है, अब आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपने ईमेल आईडी जो है यहाँ पे आपने मेल करनी है जो भी कोई आपकी डाउट रहता है। अच्छा ये मैं बता दूँ कौन कौन से बैचेस जो हैं कौन कौन से एलिजिबल होते हैं इसके लिए। स्टूडेंट्स सपोज कोर्स वर्क है आपका आर्किटेक्चर, अगर कोई स्टूडेंट आर्किटेक्चर का है 2010 बैच का पास आउट है, अप टू 2010 बैचेस का पास आउट स्टूडेंट है उसके लिए ये एप्लीकेबल है। उसके बाद अगर उसका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाया तो वो अभी फिल कर सकता है। बी फार्मेसी जो हैं 2012 बैच के, जो 12 के पास आउट हुए थे ना, मतलब 12 के मतलब 10 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 10 साल हो ही चुके हैं, 9 ईयर हो चुके हैं, तो मतलब उनके लिए भी ये चांस है, ठीक है, कि वो भी फिल कर सकते हैं। बी फार्मेसी लीड स्टूडेंट अगर 2014 बैच है उनके लिए है, अप टू 2014 बैच का मतलब कि जो जिनका 2014 तक बैच था ऐसे, मतलब कि उनका जो पास आउट थे जो 2014 में पास आउट हो गए थे, मतलब जिनका कोर्स वर्क 4 ईयर का था तो चार साल का उनका कोर्स ख़त्म हो चुका था, तो वो मतलब उन अभी वो फिल कर सकते हैं एग्ज़ाम। ऐसे ये सारे BBA क्या बताया हुआ है, एम फार्मेसी का, MSc का, MBA का, सब का बताया हुआ है स्टूडेंट्स, ये आपको ये मतलब यहाँ से पता चल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इन बैचेस की, और मुझे अगर कोई आपको ये जो डेट शीट है या नोटिस जो है कुछ भी आपको नहीं होता है, शो नहीं होता है, तो आप अपनी ईमेल आईडी पोस्ट कर दीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूँगी। अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट में मेंशन करिए, कोई भी डाउट रहता है कमेंट में मेंशन करिए, आपको उसका भी रिप्लाई मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लग जाता है समटाइम्स, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको इसका क्लियर हो गया होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका आपको लगता है कि अभी चांस बचा है, जिन्होंने अभी तक फिल नहीं किया था एग्ज़ाम फॉर्म वो कर सकते हैं, जो बहुत देर पहले अपनी स्टडी छोड़ चुके थे। थैंक यू।